अगर हमारे तरह कोई यूट्यूबर है, अगर चाहते हैं कि वीडियो एडिटिंग बेहतर ढंग से हो और ऑडियो के लिए अच्छा से अच्छा रिकॉर्डिंग वाले साउंड हो और साथ में नॉइज रिडक्शन वाले सॉफ्टवेयर हो, तो आज मैं मुबावे वीडियो एडिटर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि इस सॉफ्टवेयर से आपको वीडियो एडिटिंग के साथ साथ आपको ऑडियो भी एडिटिंग के लिए सबसे बेहतर आपको सॉफ्टवेयर मिलने वाला। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप मुबावे की जो सॉफ्टवेयर है यूज कर सकते हो, और यूज करने के बाद इसे किस तरह से आप इसका इफेक्ट वगैरह लगा सकते। तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है, और क्रोम को ओपन करते ही वहाँ पर टाइप करना है मुबावे वीडियो एडिटर। तो यहाँ पर इस तरह से टाइप करके सर्च करना है, तो सिंपली यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाएगा, मगर यहाँ से आपको डाउनलोड नहीं करना है, यहाँ लेटेस्ट वर्जन है, तो यहाँ से आपको क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड फ्री, तो मैक के लिए भी आपको मिल जाएगा और साथ में विंडो के लिए भी। तो इस तरह से लेटेस्ट वाली जो वर्जन होगी वो डाउनलोड कर लेना है मुबावे की वीडियो एडिटर। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल सिंपली जिस तरह से सभी सॉफ्टवेयर को करते हैं इंस्टॉल, उसी प्रकार से इसे भी करना है, और करने के बाद इसे सिंपली राइट क्लिक करके ओपन करना है। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑडियो एडिटिंग के लिए आपको इफेक्ट मिल जाएगा, और साथ में अगर वीडियो वॉइस ओवर के लिए आप ढूंढ रहे होगे सॉफ्टवेयर बेहतर सॉफ्टवेयर, तो इसमें बहुत अच्छे ढंग से आप वॉइस ओवर भी कर सकते हो। इसमें यही है फ्रेंड कि अगर फिल्मोरा के थ्रू हम लोग करते हैं तो उसमें वीडियो इफेक्ट के लिए बहुत सारा एनिमेशन वगैरह मिल जाता है, मगर यहाँ पर साउंड और ऑडियो के लिए बेहतर से बेहतर यहाँ पर एडिटिंग आपको आप लोग कर सकते हैं इसके अंदर। वो भी सिंपल है फ्रेंड, एक ही क्लिक में आपका जितना भी नॉइज वगैरह है सभी रिमूव हो जाता है। अगर आपका लेटेस्ट वर्जन होगा 2022 का तो और भी बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यू अपडेट इंक्लूड किया है। मेरा फिलहाल तो यहाँ पर 2021 के वर्जन का है, तब भी मैं इसको दिखाता हूँ, ज़्यादा कुछ चेंजिंग तो है नहीं। तो चलिए फ्रेंड इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड यहाँ पर ओपन हो रहा मुबावे की जो सॉफ्टवेयर है, तो इसे लोडिंग लेने में कुछ टाइम लगता है फ्रेंड। तो मुबावे के देखिए इंटरफेस इस तरह के आपको देखने के लिए मिलेगा, और सिंपली आपको एक फाइल ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ऐड फाइल लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई भी फाइल को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे मैं इसे ऐड करके दिखाता हूँ, और इसे सिंपली ओपन कर देना है। तो जो फाइल ऐड करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर मीडिया बिन में यहाँ पर आपको वीडियो आ चुका है। तो इस वीडियो को आप ड्रैग करते हुए इस टाइमलाइन के ऊपर बैठाना है। तो देख सकते हो ये टाइमलाइन के ऊपर आ चुका है, तो इसे बड़ा भी कर सकते हो। ये छोटा वीडियो क्लिप है, इसीलिए लेंथ इसका इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो फिलहाल मैं दिखाता हूँ कि इसकी जो वाटरमार्क है वो वाटरमार्क में इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है, और इसके जो वीडियो है इसकी एडिटिंग सिंपली कर सकते हो। जैसे यहाँ पर टाइमलाइन पर बैठाने के बाद यहाँ पर आपको ढेर सारा यहाँ पर फाइल वगैरह यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, म्यूजिक साउंड, यहाँ पर बैकग्राउंड इफेक्ट इफेक्ट पैकेज वगैरह ले सकते हो, और सिंपली वीडियो एडिट कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा मीडिया फाइल आपको नज़र आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी तरह से आप वीडियो पर सेट करके एक बेहतर वीडियो बना सकते हो, और बैकग्राउंड वगैरह देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से लेटेस्ट बैकग्राउंड वगैरह इसमें ऐड किया हुआ है, और इफेक्ट पैकेट में आप देख सकते हो किस तरह से बेहतरीन यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हो, क्योंकि इसके नीचे भी और बहुत सारा यहाँ पर आपको इफेक्ट वगैरह मिल जाएगा। तो देख सकते हो बहुत सारा अभी नीचे है, तो यहाँ से आप लेटेस्ट अगर अपडेट आता है तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड दूसरा इसका मैं दिखा देता हूँ। तो ये टाइमलाइन को इंक्रीज कर सकते हो और घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, और यहाँ टेक्स्ट वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सिंपली चार जो स्क्वायर टाइप का दिख रहा है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर वीडियो एडिटिंग के लिए कलर एडजस्टमेंट वगैरह मिल जाएगा, और क्रॉप एंड रोटेशन के लिए भी, और
ओवरले वगैरह मिल जाएगा। तो देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर इफेक्ट आपको मिल जाएगा, फिल्म मोरा से भी अच्छा खासा इफेक्ट मिल जाएगा, और हाईलाइट वगैरह भी कर सकते हो, और साथ में कॉर्नर वगैरह लोगो वगैरह लगा सकते हो स्लो मोशन। और यहाँ पर ग्रीन अगर पर्दा आप यूज करके आप क्रोमा की के इस्तेमाल भी कर सकते हो यहाँ पर। और देखिए जो स्किन डिटेक्शन भी यहाँ पर आपको दिया गया है, तो सोच सकते हैं फ्रेंड ये बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर वीडियो एडिट कर सकते हो और साउंड भी एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑडियो पर आपको क्लिक करना है, तो ऑडियो के लिए देख सकते हो फ्रेंड, तो होता है फ्रेंड जिसमें वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत सारा ऑप्शन दिया होता है, मगर इस सॉफ्टवेयर में क्या है कि फ्रेंड वीडियो एडिट के लिए भी बेहतर से बेहतर इफेक्ट दिया, और साउंड के भी लिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आप एडिट कर सकते हैं, वो भी वीडियो के जो इक्वलाइजर वगैरह चेंज कर सकते हो, नॉइज वगैरह रिमूव कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर आया हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पर ऑडियो के लिए भी बहुत सारा यहाँ पर इफेक्ट दिया हुआ है, तो नॉइज रिमूव के लिए सिंपली एक क्लिक करके ही आप अप्लाई करके आप रिमूव कर सकते हैं नॉइस को, और ऑडियो इफेक्ट भी लगा सकते हो, बहुत सारा यहाँ पर ऑडियो इफेक्ट आ जाएगा। तो देख सकते हो टेम्पलेट लो पिच वगैरह वगैरह सब यहाँ पर इजीली कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत सारा इसमें ऑप्शन छुपा हुआ है, आप देख लेना और इसे यूज भी करना। एक हम बताए फ्रेंड मेरे हिसाब से ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे इफेक्ट दिया हुआ है कि आप इजीली न्यू यूट्यूबर के लिए तो खास करके आप इजीली यूज कर सकते हो, और हार्ड वर्क इसमें ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, और इस तरह से आप वीडियो को एडिट वगैरह करके यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। और तो एक्सपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर वाटरमार्क नहीं आता है, तो सेव यहाँ पर आप अगर जिस लोकेशन अगर चेंज करना चाहते हो, किसी और जगह सेव करना चाहते हो फाइल या वीडियो को, तो यहाँ से आप ब्राउज करके यहाँ से चेंज कर सकते हो, कोई भी ड्राइव में रख सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट ही रहने देना चाहिए ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। अब क्वालिटी के देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए भी क्वालिटी दिया गया है, गुड और हाई हाईएस्ट का भी दिया हुआ है, रेजोल्यूशन वगैरह दे सकते हो, और आप देख सकते हो यहाँ पर साइज भी बता दिया गया कि इस फाइल के साइज इतना MB तक जाएगा, यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। तो इसके जो यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड यहाँ पर स्टार्ट कर देना है और यस पर अलाउ कर देना, तो इस तरह से आपका जो फाइल है सेविंग होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर आपका सेव होके आपके कंप्यूटर के किस जो लोकेशन आप सेट किए हो उसी लोकेशन पर जाके ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो फाइल जो है कि सक्सेसफुली सेव हो गया, और इसे ओके कर देना है। तो ये फाइल के साइज भी देख सकते हैं MP4 में ही मैंने सेट किया था। तो यहाँ पर देखिए न्यू प्रोजेक्ट आ चुका है, तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर वाटरमार्क कोई भी वाटरमार्क इसमें नहीं आया है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो प्ले करके। तो देख सकते हैं दोस्तों कॉर्नर की ओर कोई भी वीडियो के ऊपर वाटरमार्क नहीं आया था। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर के यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर है। तो चलिए फ्रेंड एक दफ़ा इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने मिला होगा तो लाइक करना, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।